क्यों भाई गोलू, तुझे पढ़कर क्या मिल जाता है? कुछ ना भैया, कभी दलिया कभी चावल खाते हैं स्कूल में। हाँ? ना, मैं कह रहा हूँ तुझे पढ़ने से मिलता क्या है? अरे भैया दौआ, मिलता कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही चले जाते हैं, ना जाए तो हमारी मम्मी मारती है हमें। तो हमारी सास के जानना पड़ना यहाँ की बैठा है। आज ना जा रहे यार, आज मम्मी ने 10 रुपए न दिए समोसे खाने के लिए। पता है जब मम्मी ने 10 रुपए न दिए ना तो मैंने कच्चे में आग लगा ली, मटके तेल छिड़क के। ले भैया ओम पो, वाह बेटे मौज कर दी तूने तो। अरे यार रोज रोज से ड्रामा अच्छा लगता। कौन है रे, कौन मार रहा है मुझे? तेरी मम्मी। मैं तेरे से हाथ मत लगा दे अब की बार, नहीं तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। रुक जा कड़ी खाए, मुझे धमकी दे रहा है, तेरी शक्ल बताने बोलूं। अरे चाची क्यों मार रही हो, आप क्या मार डालोगी इसे? अरे इसने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है, पढ़ा नहीं जाता, रोज का यही नाटक है इसका। इसके साथ गदरिया है, उसने आधी में रेस मार दी और फौजी बन गया वो। सही बताओ, गदरिया अग्निवीर में फौजी बन गया? अरे हाँ, पूरे गाँव में उसके चर्चे हैं, आज वो गाँव में आने वाला है। तो मेरे से क्या रही है, वो तो अच्छी बात है वो फौजी बन गया। उस लड़के ने कितनी मेहनत करी है, 5-5 बजे दौड़ मारने जा रहा था सवेरे सवेरे, और वो तुम हो कि तुमसे 10 बजे उठ जाता। हमसे क्यों कह रही है? मैं नू कह रही हूँ, भूप सिंह के छोरा ने कितनी मेहनत करी है, बन गया ना बढ़िया फौजी अग्निवीर का वो। तो सुन ले, हमें लेना फौज फौज में, तूने तो अनबन यहाँ। हम तो अपनी खेती बाड़ी करेंगे और मौज लेंगे, हमें तो अपने 4 भैंस पालनी है, 2 दही खानी है और मौज करेंगे जमाने में। तेरे से वो काम भी नहीं हो रहा, तुझसे अपनी खेती बाड़ी संभल रही है, तू कभी जाता है खेत में झाँकने? है क्या हो रहा है क्या नहीं सब पता है, धान पकने वाले हैं, धान काटने का नंबर आया तो काट रहा हूँ ना। ऐसा है तू मेरे से बातें मत बतोले, चुपचाप पढ़ने चला जा। पढ़ने तो मैं ना जा रहा, बता क्या करेगी? तो तू पढ़ने ना जाने का, ना जाने का मार ले पीट ले, पर पढ़ने जाने का। मान जा चला जा, क्यों अपने दही तोड़ाने फिर जा मेरे से? ना जा रहा, मर जाऊंगा मिट्टी का तेल छिड़क के आग दे दे, पर मैं पढ़ने जाऊंगा। कैसे रे बालको, कैसे और मचा रहे मोहल्ले में? तेरे बाप की बड़ा जारिया नाच ले। अरे बड़ा बदतमीज वाला है मेरे सास का ये तो। क्यों, मैंने कौन सी तेरी भैंस खोल ली जो कह रहा है बड़ा बदतमीज बालक है? फालतू की जीभ चला रहा है यहाँ पर, मेरे से फालतू मत बोलना, नहीं तो यहीं जान पर मुझसे खिला दूंगा। तू तेरे तो हाथ वैसे ही पंजीर से मांग रहे हैं, तू मेरी खोपड़ी खिलाएगा? हाँ? चांद की तो छोड़, मैं तेरा बक्का सा उतार दूंगा। अरे भाई छोड़ो, तुम कहाँ बालक के मुँह लग रहे हो? ये बताओ जा कहाँ रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ भूप सिंह के घर। भूप सिंह का छोरा अग्निवीर फौजी बन गया और भूप सिंह के घर लड्डू बढ़ रहे हैं बूंदी के, वहीं जा रहा हूँ मैं तो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ। गधे तो हमारा लंगोटिया यार है, हम तो खूब खेल खेले उसके साथ। हाँ? अरे खेल पेल मार गोली, चल रहा हो तो बता। चलो। अरे भूप सिंह, हमें पता चला है तेरा लड़का अग्निवीर फौजी बन गया। हमें प्रधान जी सही सुना तुमने, अब हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे। भूप सिंह तेरे लड़के ने तो नाम कर दिया पूरे गांव में, देख ले तू ही कहता था कि ये कुछ ना कर पाएगा अपनी जिंदगी में। हमें प्रधान जी तुम्हें एक बात बताओ, मेरे बात समझ में ना आ रही, कुछ भी है हमारे लड़के ने नाम कर दिया पूरे गांव में। हाँ भाई भूप सिंह, कुछ भी है तेरे लड़के ने नाम तो कर दिया पूरे गाँव में। अरे चटोरे बाबा राम राम, प्रधान जी राम राम, आ जाओ बैठ जाओ चटोरे बाबा। भूप सिंह यार बैठ नहीं आए हैं तेरे पास। अरे दवा कहाँ से पकड़ के ले आए? अरे जब मैं आ रहा था तो गांव की गली में दवा मिल गया, फिर पूछने लगा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भूप सिंह घर जा रहा हूँ, चल रहा हो तो चल। चलो कोई बात नहीं, चल यार भूप सिंह पहले गटर से मिलवा यार, मेरे के बहुत दिन हो गए देखा ना है। अरे मिल लियो, आने ही वाला है कुछ देर में। अरे भूप सिंह तेरे छोरे ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे गाँव में, अभी तक कोई फौजी न बना, तेरे लड़का पहला फौजी बना इस गाँव में। सही कह रहे छोटे बाबा, मेरा गडरिया है वो मेरा। पूरे गांव में गडरिया की चर्चे हो रहे हैं, कहीं भी चले जाओ गडरिया हो रही है। उसने मेहनत करी तो भैया उसका फल तो उसे मिल गया, तो चर्चे तो होंगे ही, और चाहे भैया कोई अपनी मेहनत से बन रहा है तो गांव में तो बहुत खुशी भी होगी और बहुत दुख भी होगा। हाँ भैया भूप सिंह ये तो तू सही कह रहा है, तरक्की देखकर भैया पड़ोसी तो चलते ही हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते जाओ। कुछ भी सही भैया, गडरिया ने नाम तो कर दिया गांव में। इस गांव में शुरुआत से अब तक कोई फौजी ना बना, वो काम किसी से ने करके नहीं दिखाया, वो काम गडरिया ने करके दिखा दिया। गडरिया मेरा जिगरी यार था, मैं उसे समझाता था और आज वो समझ के आगे बढ़ा है। मेरे सास के मोटी बुद्धि के तो चुपचाप ही खड़ा रहे, नहीं तो चूतलों पे ऐसी लठियां मारूंगा कि सीधा भागे घर को। आइए सुनना दे रहे थे पापा। हाँ बोल। अब यहाँ बात बनाते रहोगे क्या? उस लड़के का भी कुछ करोगे? अरे आ गया क्या अपना कर दिया? अरे वो तो बहुत देर का आ गया, तुम्हें ढूंढ रहा है तो घर। अरे यार मेरे के मैं तो बहुत खुशी हो रही है सही में। मैं तो कर रहे बहुत दिनों के बाद मिल जाऊँ यार। जल्दी चलो, वो लड़का तुम्हें वहाँ बुला रहा है, याद कर रहा है तुम्हें। चलो फिर चलो, चलो फिर चलो यार जल्दी चलो, गिंडे को देखेंगे यार। चलो यार मेरी के यही है हमारा घर। गडरिया भैया तुम्हारा घर सही बना है, एक नंबर। गडरिया भैया तुम हमें गलत बुला कर लाए अपने घर पे, हमें अपने गाँव भी तो जाना है ना यार। अब तो हमारे घर वाले से मिलकर जाना। पापा राम राम। अंकल जी राम राम। राधा राधा अंकल जी। हाँ? और भाई दवा कैसा है तू? यार हम तो सही हैं, तू अपने बता कैसा है? मैं यार बढ़िया हूँ यार दवा। चटोरे बाबा तुम जिंदा हो अभी तक? देख लो इतना बड़ा हो गया पर अभी तक सुधरा नहीं है तू। चटोरे बाबा हमने तुम्हारे खेत में से बहुत चोरी करी है। अरे कोई बात नहीं गडरिया, अपना ही खेत है, कितना भी खाओ कितनी भी चोरी करो। अरे पापा अब तो नहीं आया वो लाला पैसे लेने। यार मेरी गडरिया लाल ने तो नाक में दम कर दिया। मेरी सास का रोज आ जाता है नाक में दम करने, तगादा करने पैसों का। तुमने उसे बताया नहीं गडरिया फौजी बन गया है अग्निवीर। कह दियो उससे तुम्हारा कड़ा चुटके में उतार दूंगा मैं। अब सबसे पहला फौजी बनाऊंगा गांव का। हाँ यार गडरिया तूने मौज कर दी, तूने गांव का नाम रोशन कर दिया। पूरे गाँव में चर्चे हैं तेरे और तेरे बाप के। कुछ भी सही गडरिया तूने बहुत मेहनत की है। जब मैं जाड़े में भैंस को न्याय डालने जाता था तब तू रोज रेस मारने जाता था। कितने कोहरे में तूने रेस मारी है सब याद है मुझे वो। चटोरे बाबा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैंने दिन ना देखी, रात ना देखा, गर्मी ना देखी, जाड़ा ना देखा, पर रेस जरूर मारी है। हाँ भाई गडरिया तूने बहुत मेहनत की है, तेरी मेहनत सफल रही। आज अब देख क्या रहे हो, पूरे गाँव में लड्डू बटवा दो, हमारा लौंडा फौजी बन गया। लड्डू ना भंडारा करेंगे, चूल्हा नौ ताप करेंगे, सबके घर में माता का जागरण होगा एक दिन पहले। हाँ भाई भूप सिंह ये तो सही है क्या? देख ले देख, खाने में तो सबसे आगे रहता चटोरे बाबा। क्या करेगा डरिया भैया, तड़पी ऐसी है। फिर उन बूंदी के लड्डू का क्या होगा? हमको पूरे गांव में उठा देंगे, पूरे गांव में। शाम को ना छोरा अभी आया है, अभी बटेंगे पूरे गाँव में। आई बाट का हो ला, चल तू कह रही है तो अभी बाट का आता हूँ। चल सबके घर कहते आना, कल को मेरे का जागरण होगा और परसों को भंडारा। सही कह रही है, चल जा लेकर आ। चलो भैया हम तो लड्डू बांटने जा रहे हैं फौजी बनने की खुशी में। तुम कहाँ जा रहे हो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो और कर दियो कमेंट प्यारा सा। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाइए।